नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कसूरी मेथी बनाने जा रहे हैं। कसूरी मेथी हरी मेथी के पत्ते से बनती हैं और इसे हम सब्जी, पूरी, पराठे, पकौड़े में फ्लेवर या टेस्ट बढ़ाने के लिए डालते हैं। तो चलिए बनाते हैं कसूरी मेथी। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो कसूरी मेथी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 300 ग्राम मेथी। यदि मुट्ठा में बंधा हुआ है तो एक बड़ी मुट्ठा लें। मैंने सारे मोटे डंठल को निकाल कर और एक पत्ता लिए हैं और अच्छी तरह साफ करके तीन पानी से इसे धो लिए हैं और छलनी पर रखकर पानी अच्छी तरह से सुखा लिया है। इस मोटे डंठल को, ये सॉफ्ट ही है, हम इसे बारीक काट कर कोई सब्जी में डालकर पका सकते हैं, फेंकेंगे नहीं। तो अब हमें कसूरी मेथी बनाने के लिए इसे सुखाना होगा, तो हम डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाएंगे। यदि हम डायरेक्ट धूप में सुखाएंगे तो ये इसका कलर काला हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, तो अच्छी कसूरी मेथी नहीं बनेगी। तो हमें इसे या तो माइक्रोवेव यूज करते हैं हम, तो माइक्रोवेव में सुखा लें, या तो यदि आपके पास इस तरह का बांस का कोई चीज़ हो, इस तरह का बांस का डाली है, ये इसे सुपा नांगलो भी बोलते हैं, इस तरह से हम फिजाकर इस तरह से रख देंगे और हवा आने की जगह और सूरज का तापमान भी रहता हो उस जगह इसे रख देंगे और इस तरह से दिन में एक दो बार इस तरह से चला देंगे। इस तरह से अपने आप ये सूखकर कसूरी मेथी तैयार हो जाएगी। चार दिन, पाँच दिन में, जितने दिन में अच्छी तरह से सूख जाए इसके बाद हम निकालेंगे। इस तरह का डाली नहीं हो तो आप नीचे प्लास्टिक का चीज़ रखकर और ऊपर सूती का कपड़ा डालकर इसे इसी तरह से फिजा कर रख देंगे और दिन में दो तीन बार इसी तरह से चला देंगे। और एक बात का ध्यान रखनी है कि जहाँ धूल मिट्टी आ रही हो वहाँ नहीं रखेंगे हम, तो उठाकर रख देते हैं। तो ये देखिए कसूरी मेथी सूख चुकी है। मैंने चार दिन इसी तरह से खुली हवा में घर के अंदर ही, जहाँ धूल मिट्टी नहीं आते हैं वहाँ पर रख दिए थे और दिन में एक दो बार इस तरह से अलट पलट कर दिए। और कसूरी मेथी अच्छी तरह से सूख जाने के बाद मैंने इसे चार घंटे के लिए कड़ी धूप में डाल दी और कसूरी मेथी बनके तैयार है। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, तो देखिए प्लेट में निकाल लिए हैं कसूरी मेथी को। और आप देख सकते हैं हमने कितना सारा हरी मेथी सूखने के लिए डाले थे और कितनी कम बनके तैयार है कसूरी मेथी। तो आप इसी तरह से कसूरी मेथी बनाइए। इसका कलर देखिए हरी ही है। कसूरी मेथी सूखकर इस तरह की तैयार होनी चाहिए। जब हम इसे हाथ से मसले तो इस तरह से अच्छी तरह से टूट जानी चाहिए पाउडर की फॉर्म में। आप चाहे तो इसे स्टोर करने के लिए इस तरह से क्रश करके ही स्टोर करें या इसी तरह से रख लें, जब सब्जी में यूज करें तो इस तरह से क्रश करके डालें। ये आपकी चॉइस है, जैसे आप चाहें कर लें। और इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर अच्छी तरह से बंद कर लें, चाहे तो फ्रिज में रखें या बाहर रखें। तो देखिए मैंने कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे मिक्सी में पाउडर फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं। इसे हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और साल भर तक यूज कर सकते हैं। इसे कोई पूरी पराठे या स्पेशल सब्जी बने, आधा चम्मच या एक चम्मच डाल लेंगे तो पूरी पराठे की फ्लेवर और टेस्ट बढ़ जाएगी। तो अब इस तरह से कसूरी मेथी बनाइए। बाहर की अपेक्षा सस्ती भी पड़ती है और अच्छी भी होती है। और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।